बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रुशान अहमद और आप देख रहे हैं जूसेज एंड कुकिंग चैनल। मेरे प्यार प्यार व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए आलू बुखारे और खुबानी का जूस लेकर आया हूं। चलें तो आपको आलू बुखारे खुबानी का जूस बनाकर दिखाते हैं। ये हमने खुबानी को अच्छी तरह से धोकर इन्हें काट लिया है, इनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं। आलू बुखारे को भी अच्छी तरह से हमने वॉश करके इसको काट लिया है। ये आइस क्यूब्स, चीनी, ठंडा पानी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसमें आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, ठंडा पानी ऐड कर लें, आइस क्यूब भी ऐड कर लें ताकि हमारा जूस बनते वक्त ही ठंडा हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह सुबहानल्लाह। गिलास में आप सर्व करने से पहले आइस क्यूब ऐड कर लें। आप अपने फ्रेंड्स या गेस्ट को जब भी कोई जूस या शरबत सर्व करें तो गिलास में आइस क्यूब ज़रूर डाल लिया करें, क्योंकि जूस जितना ज़्यादा ठंडा होता है उतना ही अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें फ्रेंड्स, खुबानी और आलू बुखारे का शरबत हमारा तैयार हो चुका है। आई होप सो व्यूवर्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और मोहब्बत होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में हमें यह भी बताइएगा अगर आपको और भी रेसिपीज चाहिए हो तो इंशाल्लाह हम आपके लिए उन पर ज़रूर वीडियोज़ बनाएंगे। तब तक के लिए चैफ रुशान अहमद को दीजिए इजाज़त ना, और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।